भी एक दिक्कत मिलेगा, जितना है पे ताली मारिएगा। ओह माय गॉड, ये वाला का मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जूता चप्पल खोल के आइएगा, एंजॉय करिए। लगते हैं सॉरी, हिलाओ रे, मुड़ी हिलाओ, देखिए बोलेंगे तो मुड़ी हिलाएगा बड़ा यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग वीडियो। फाइनली गाइस देखते हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पे श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, देख सकते हैं जो कि पटना में स्थित है, साइंस सेंटर से। तो आज की इस ब्लॉग वीडियो में आपको फुल एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो इस ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप पूरा देख लेते हैं तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। और इधर यहाँ पर देख सकते हैं, इधर काउंटर है जो कि आपको यहाँ से टिकट लेना होगा। एंट्री एक आदमी का यहाँ पे 35 रुपया है, तो चलिए टिकट यहाँ पे लेंगे। और इसका जो लोकेशन है यहाँ पे विश्वान भवन, आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, देख सकते हैं विश्वान भवन के पीछे है, यानी गांधी मैदान के यहाँ पे, गांधी मैदान के बगल में। तो गांधी मैदान से बगल आ सकते हैं या विश्वान भवन के पीछे, और आइएगा यहाँ पर। और यहाँ से देख सकते हैं रोड है, मेन रोड दिख रहा है यहाँ पर, गोलंबर वहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से आइए, यहाँ पर आपको टिकट मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर टिकट लेते हैं, यहाँ पर टिकट लेते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आपको एंट्री होगा, यहाँ पे ट्रीट होगा, यहाँ पे 30 रुपया अलग से उसका, और 35 रुपया इसका अलग से है। तो आइएगा तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। देख सकते हैं टिकट लेने के बाद यहाँ पर आपको चेकिंग होगा टिकट का, और इधर अभी काम लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अभी काम चल रहा है। तो चलिए इधर से हम लोग प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आप फुल्ली इंजॉय करने वाले हैं। और इधर देख सकते हैं पार्क आपको बनाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर है 100 बरस पुराना। और यहाँ पे दोस्तों इधर पानी पीने का यहाँ पर व्यवस्था है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं विमानों का इतिहास लगभग 700 पुराना, देखते हैं 100 साल पुराना जिनका, ये देख सकते हैं पहले ऐसे हेलीकॉप्टर हुआ करता था, देख सकते हैं भाईवान। तो आइए इसका भी यहाँ पर लुक उठा सकते हैं, और उधर आपको पार्क देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पार्क बाद में दिखाएँगे, पहले हम एंट्री करते हैं यहाँ पर मनोरंजन विज्ञान केंद्र में। तो चलिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे रहते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पे एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रहते हैं प्रवेश कर गए, प्रवेश करते हैं यहाँ पे रहते हैं, आपको टीवी एक देखने को मिलेगा, जितना यहाँ पे ताली मारिएगा ये बढ़ेगा, ले सकते हैं सब लोग ताली मार रहे हैं, ताली बंद, यहाँ पर लाइट इसका बंद। तो ये जदुई ट्री है, आइए और इसका एंजॉय करिए साइंस सेंटर में। ये हवा में संगीत, यहाँ पर आपको म्यूजिक चलेगा बिना हवा में, देख सकते हैं इस तरीके से करिएगा आपको यहाँ पर म्यूजिक चलेगा। तो आइए और हम देखते हैं हवा में संगीत पूरा एकदम लिखा गया है आपको विस्तार में, तो पढ़ सकते हैं आने के बाद। जदुई नल देख सकते हैं यहाँ पे, बिना नल का बिना पंप का यहाँ पर रखते हैं पानी गिर रहा है, जिसके देखते हैं बाल्टी में जदुई नल है, देख सकते हैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहीं से भी पानी गिर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर पक्का निशवाज यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर आइए एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं इधर आपको चुंबक को पहचानने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है, तो आइए और इस तरीके से यहाँ पे चुंबक को यहाँ पर देख सकते हैं पहचान सकते हैं कौन सा यहाँ पर चुंबक है, देखते हैं पर्पल प्लेट के रंग यहाँ पर आपको लिखा गया, तो सिर्फ यहाँ पर आपको फिजिक्स का नॉलेज आपको काफ़ी देखने को मिल जाता है। तो आइए और यहाँ पे साइंस म्यूजियम में घूमिए, काफ़ी आपको फिजिक्स नॉलेज आपको भरपूर यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर रखते हैं पेंडल शक्ति है, तो चलिए यहाँ पर पेंडल शक्ति प्रदर्शन करते हैं। यहाँ पे किलोमीटर यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं यहाँ पे चलाइएगा इस तरीके से, तो इधर है ना यार, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से पेंडल मारिएगा तो शो करेगा कितना किलोमीटर शो नहीं कर रहा है जी। यहाँ पर चलते हैं आगे, यहाँ पर रखते हैं सिर्फ आपको देखने को मिलेगा, और इधर से आपको थर्ड सेकंड फ्लोर पे जाना है। और यहाँ पे देखते हैं टॉमी मंकी, यहाँ पे बोलिएगा इस तरीके से तो मंकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मंकी लड़कन के लिए, यहाँ पे टॉमी के साथ बात करें तो आइए और बात उत करिए यहाँ पे। और इधर आइएगा रखते हैं आपको बाउजी वाले, यहाँ पे आपको रखते हैं देखने को मिल जाएगा तो खेल सकते हैं। और इधर आपको रखते हैं सिर्फ आपको ज्ञान की बातें यहाँ पर बताया गया, तो फिजिक्स है पूरे, आइए और देखिए जदुई यहाँ पर, आइए मैं आगे आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर एक दाब का रंग यहाँ पर, देखने पर विश्वास नहीं होगा, देख सकते हैं देखने पर विश्वास नहीं होगा, यहाँ पर पंखा है देख सकते हैं, इस पर चलाएंगे अगर आपको गर्मी लग रहा है तो हवा का खा सकते हैं, देखिए यहाँ पर टीपेंगे चलना स्टार्ट हो चुका है हवा, तो गर्मी के मौसम में आइए तो हवा यहाँ पर खा सकते हैं, तो आइए और हवा वो खाइए। और इधर रखते हैं सिर्फ आपको फिजिक्स के बारे में बताया गया, तो आइए इंजॉय करिए। और देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिरामिड
ये लोग आराम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, बनाया गया पिरामिड की तरह, देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पर जैसे टच करके देखते हैं, यहाँ पे घोड़ा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, देख सकते हैं। तो आइए और इस तरह का नॉलेज यहाँ पर लीजिए। और शंकु के ऊंचाई की ओर चालक देख सकते हैं यहाँ पे, शंकु ये है आपको दिख रहा होगा। तो आइए और इसका भी नॉलेज यहाँ पर लीजिए। और तो चलिए चलते हैं हम आगे। यहाँ पे आगे आने के बाद यहाँ पर रखते हैं तरल चित्र अंकन, यहाँ पर आप रखते हैं कलर है, इस तरीका का आपको प्रिंट देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह का आइए यहाँ पर नॉलेज भरपूर यहाँ पर देख सकते हैं, तरल एकदम है बिल्कुल दिख रहा है आपको। और आगे आइएगा तो यहाँ पर रखते हैं बैलून, इसे बैलून से हवा पर रखा जाता है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे कम। तो यहाँ से करिएगा इसको तो चालू होगा, और ये है बैलून, इसको इसमें आपको डालने के रहता है इससे आती करके। तो चलिए हम देखते हैं ट्राई करके यहाँ पे, चलिए देखते हैं ट्राई। फर्स्ट फ्लोर पर आए तो देख सकते हैं यहाँ पे जनरल गैलरी, तो यहाँ पे बच्चे के लिए यहाँ पे बनाया गया है एक। चलिए अंदर देख लेते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। अंदर यहाँ प्रवेश करेंगे तो देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर बच्चों के लिए रखते हैं खेल, खेल यहाँ पे रखते हैं, गुड़िया का घर घर आपको, तो बच्चों के लिए एकदम बनाया गया रखते हैं यहाँ पे बिल्कुल भव्य। तो आइए और इंजॉय करिए अपने बच्चों के लिए रखते हैं यहाँ पे इस तरीके का। और यहाँ पर रखते हैं इधर आपको पुतला देखने को मिल जाता है, तो शेर शाह सूर्य किनका बनाया गया है यहाँ पे, उधर से मुंडी को हमाइए और सेल्फी लीजिए, यानी सेल्फी पॉइंट है रखते हैं परी लोग, यहाँ पे लोक में चला जाइएगा। तो आइए और अपने बच्चों को यहाँ पे इंजॉय करिए रखते हैं, सिर्फ अब बच्चों के लिए यहाँ बनाया गया है मनोरंजन कौन रखते हैं यहाँ पे, उधर गेमिंग चल रहा है। और आप कितना देखते हैं संतुलन है, अपना संतुलन है आप कितना आप में संतुलन है आप बना सकते हैं, तो इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें करेंट आता है, इसको इसको हम बझाना नहीं है, देखते यहाँ पे इसको हमें टच नहीं होना चाहिए इस तरीका से, और इस तरीका से आपको इस पर ले आना, लेकिन यहाँ पे टच हो रहा है मेरे से, देख सकते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं आपका कितना संतुलन है, और इधर रखते हैं गेमिंग चल रहा, तो आइए और इधर गेमिंग कर सकते हैं करना चाहते हैं तो। और इधर यहाँ पर रखते हैं फल, तो आइए खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। वर्ल्ड में यहाँ पे हम प्रवेश करेंगे, चलिए इसमें प्रवेश करते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। देखते हैं यहाँ पर महासागर की उत्पन्न, यहाँ पे देखते हैं महासागर की एवं परिचय, यहाँ पर आपको परिचय दिया गया है, तो आइए और पढ़िए। मैं आपको पढ़ के तो नहीं बता सकता हूँ। समुद्रीय जल का प्रमुख घटक दे सकते हैं, यानी यहाँ पर आपको ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगा ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। तो आइए अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे तो देखते हैं समुद्री की गहराई का प्रकाश, तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ गर्म कहाँ ठंडा, यहाँ पर रखते हैं हुबेल मछली ऊपर में, जल का दबाव यहाँ पर रखते हैं, जल का दबाव होता है तो इस तरीका से बुलबुला देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका का सैर, तो यहाँ पर आप सैर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सैर दिखाऊँगा, उससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट एक बनाया गया बच्चे के लिए, यहाँ के ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर रखते हैं महासागरीय धरा, यहाँ पर देख सकते हैं आके देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको मैप दिखाया गया है, और विश्व के महासागर यहाँ पे आपको पूरा मैप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ कहाँ क्या है, देखते हैं आपको अंटार्कटिका दक्षिण हिंद अंटार्कटिका प्रशांत यहाँ पर आपको देखने को मैप भी आपको। और इधर आपको रखते हैं प्लास्टिक प्रदूषण, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इससे चेक भी कर सकते हैं प्लास्टिक, 2 ईयर्स पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपको है, यहाँ पर करिएगा तो ये 2 ईयर्स ही दिखा रहा है, नहीं 5 ईयर्स देख सकते हैं यहाँ पर मीटर हो जो चल रहा है, ये बताएगा कब ये कितना साल में ये नष्ट होगा। सैर कर लेता हूँ लास्ट में, और यहाँ पर देखते हैं अंटार्कटिका कहाँ पे सैर कर रहे हैं हम दोनों, देख सकते हैं यहाँ पे अंटार्कटिका का सैर, व्हेल मछली आ गया, ओ रखते हैं लग रहा है एकदम जैसे कि अंटार्कटिका में पहुंच गए, रखते हैं इधर से भी हुबेल निकल रहा और उधर से भी। बच्चे गैलरी था उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर रखते हैं इधर चलेंगे और यहाँ पर रखते हैं दर्पण यहाँ पर कभी मोटा कभी छोटा कभी लंबा कभी दे सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे, ये भी आप यहाँ
दे सकते हैं। यहाँ पर लगाया गया यहाँ चलिए और यहाँ पर प्रवेश करेंगे इधर हम लोग। यहाँ प्रश्ते हैं बोलिए धरती रस्ते यहाँ पे आपको पूरा मैप पृथ्वी की छवि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बिहार की रस्ते हैं यहाँ तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा पूरा मैप कहाँ क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पृथ्वी की छवि यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितना दम भव देखने में लग रहा देख सकते हैं पूरा एकदम। और इधर आप देख सकते हैं पूरा एकदम डिस्प्ले चल रहा और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का। यहाँ पर आइए और देखते हैं यूनिक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रखते हैं मज़ेदार चित्र यहाँ पे। और इधर रखते हैं आपको 3D शो यहाँ पे चलता है इसका टाइमिंग यहाँ पर रखते हैं लिखा गया है। तो आइए इसका टिकट अलग से लगता है 30 रुपया। और तो चलिए यहाँ से हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर रखते हैं दर्पण है यहाँ पर रखते हैं स्वकृतीय दर्पण यहाँ पर आपको रखते हैं इस फ्रेम में दर्पण में कितने सारा देखने को मिल रहा है 100-150 यहाँ पे मेरा देखते हैं फोटो आपको देखने को मिल रहा होगा कितना अच्छा लग रहा देखते हैं दर्पण। और यहाँ पर रखते हैं आँखों की कार्य विधि यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आइए और अपने आँख को एकदम निशान लगाइए अपने आँख को टेस्ट करिए कितना आँख में पावर है आपका देखते हैं यहाँ पे। तो हर प्रकार से यहाँ पे आपको देख सकते हैं है। तो आइए और अपना यहाँ पे इंजॉय करिए कैसे देखते हैं पहले आए आदि मानव उसके बाद यहाँ पर रखते हैं कंगारू कैसे यहाँ पे जो विकसित हुआ यहाँ पे हमारा वो दिखाया गया यहाँ पे देखते हैं दर्पण चल रहा है। और ऐसे देख सकते हैं टेलीविजन स्टूडियो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कृपया यहाँ पे जूता चप्पल बाहर खोल के जा चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए हम एंट्री यहाँ पे जूता खोल लिए और आने के बाद यहाँ पर रखते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पे टेबल पर बैठिएगा और एंट्री का उधर स्क्रीन लगा हुआ है उधर देखा देखते हैं बैठिएगा वहाँ पर आपको दर्पण शो होगा यानी देखते हैं डिजिटल स्टूडियो। और यहाँ पर रखते हैं आइए सुतिए लेकिन जूता चप्पल खोल के आइएगा और इंजॉय करिए रखते हैं टीवी में देख रहे हैं तो बैठिए आपका स्क्रीन टीवी में देखिए। तो आइए और यहाँ पे तो साइंस सेंटर में आना ना भूलिएगा काफ़ी अच्छा है यहाँ पे आइएगा और काफ़ी नॉलेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आइएगा। तो सिर्फ ज्ञान की बात यहाँ पे दिखाया गया है आइए और पढ़िए नॉलेज लीजिए। तो ये ब्लॉग वीडियो बना रहेगा काफ़ी कुछ बाकी आपको दिखाने के लिए चलिए अभी चलते हैं। तो फिर भी रोशनी यहाँ पे आपको दिखाने को मिल जाएगा यहाँ पर आभासीय श्रृंखला आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे विभिन्न प्रकार के यहाँ पे देखते हैं बदलते हैं रंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यह जादुई देखते हैं तस्वीर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए और हम देखते हैं दृष्ट भरण यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जादुई दर्पण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए और यहाँ पर रखते हैं सारा का यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं चेहरा को छुपाएँ यहाँ पर रखते हैं मनोरंजन दर्पण सभी आँखों का आप देखते हैं पूरा आपको दर्पण यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आइए हर प्रकार का दर्पण यहाँ पर देख सकते हैं लंबा चौड़ा छोटा आपको देखने को मिलेगा देखते हैं विशाल हॉल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आइए और इस हॉल में एंजॉय करिए देखते हैं कई प्रकार के यहाँ पर हॉल है। तो आइए अनंत रेलगाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा तो अनंत आपको दिखेगा देख सकते हैं एकदम अनंत आपको दिखेगा कभी अंत ही नहीं होगा देख सकते हैं इधर देखिए तो आपको आनंद इधर देखिए तो आनंद तो सही में लिखा गया है। तो आइए और यहाँ भी करिए यहाँ देखते हैं आधा तुम आधा मैं तो यहाँ पर बैठ के आधा आप आधा तुम कर सकते हैं इधर उधर देख सकते हैं हमारा एक भाई बैठ गया इधर आधा हम आधा तुम करेंगे और यहाँ पे हम लोग बैठेंगे। तो चलिए यहाँ पे रोशनी तो देख सकते हैं आधा हम आधा तुम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बैठ के। तो आइए और यहाँ पे एंजॉय करिए देखते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं अनंत को वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि नॉलेज भरा चीज़ है। तो आइए और ज़रूर आइएगा ये जो साइंस सेंटर है पटना में ज़रूर आइए स्वयं के साथ भोजन करें। तो चलिए यहाँ पर भोजन करते हैं हम लोग यहाँ पर सब लोग भोजन कर रहे हैं देख सकते हैं इधर देख सकते हैं थाली पे सिर तो थाली पे यहाँ पर सिर रख सकते हैं यहाँ पे यार देख सकते हैं हम आ गए हैं भोजन करने के लिए रखते हैं अनंत कुआं यहाँ पर। तो चलिए इसको देखते हैं कुआं अनंत शीशा लगा हुआ डरने की बात नहीं है अनंत देख सकते हैं अनंत आपको दिख रहा है पानी नहीं है जी नहीं पानी नहीं है दिल गुल किए दर्पण यहाँ पर देखने को इसमें कई शीशा यहाँ पर रखते हैं दर्पण है रखते हैं करीब 100 से ज्यादा है यहाँ पर रखते हैं आपको भाग भाग में बट गए हैं
और बहुत सारे चीज यहाँ पर हैं, तो हर मैं एक कर आपको नहीं दिखा सकता हूँ। फिर सुरंग यहाँ पे देखते हैं, सुरंग है जो देखते हैं इस तरीके से हो रहा। तो आइए और यहाँ पर दर्पण भूल भुलैया, तो चलिए यहाँ पे भूल भुलैया में आप एंट्री करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं मैजिक तस्वीर इधर है और भूल भुलैया में एंट्री करते हैं। कृपया हेमलेट अंदर न ले जाए, तो चलिए यहाँ पर एंट्री करते हैं हम लोग और भूल भुलैया में एंट्री कर। एंट्री हो गया हम लोगों का, इधर इधर नहीं इधर घुस, इधर जाना है हम लोग। चलिए चलते हैं, तो आइए और अपना यहाँ भूल भुलैया खेलिए, काफी इधर एंजॉय आप कर सकते हैं, आने के बाद काफी फुल्ली एंजॉय यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आइए इधर, लगता है हम लोग भूल गए, अब लगता नहीं निकल पाएगा। फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी भूल भुलैया में ही है हम लोग, यहाँ पे भूल गए और जैसे लास्ट में यहाँ पे निकल गए। यहाँ पे पहाड़ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। फाइनली गाइस यहाँ पर रखते हैं हम लोग, आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे और यहाँ पर विकास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा। चलिए यहाँ पे काफी नॉलेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी फुल नॉलेज। चलिए यहाँ भी आप देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको हर एक कर को तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ मेन मेन पॉइंट। देखते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ बायोलॉजी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, कैसे जीवन विकास हुआ, कैसे मानव यहाँ पहले रहते थे, पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आहार श्रृंखला देखते हैं, आहार जल देखते हैं, आहार पिंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आइए पूरा इंजॉय करिए, पूरा नॉलेज ले सकते हैं। जीवन की झाड़ी देख सकते हैं यहाँ पे, सिर्फ बायोलॉजी कैसे मानव के विकास हुआ देखते हैं, और यहाँ पर जो पहले कैसे औजार हुआ करते थे उसका यहाँ पर चित्र है, लेकिन पूरा एकदम रखते हैं पूरा गंदा बैठ के, यहाँ पर साफ सफाई नहीं है इसीलिए। और रखते हैं आदिकाल औजार, पहले ऐसे औजार हुआ करता था, रखते हैं पहले लोग हम लोग को पहले यहाँ पर रखते हैं कैसे लोग यहाँ पर आग लगाते थे, कैसे खाते थे, पूरा यहाँ पर आपको दिखाया गया डिटेल में। तो आइए और अपना ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेना चाहते हैं तो इधर भी रखते हैं। सिर्फ पहले कहाँ पर हिस्ट्री भी आपको देखने को मिल जाता है, कौन क्या खोज किए हैं देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री आपको पूरा मैंने एकदम जिक के यहाँ पर आपको मजबूत हो जाएगा पूरा। आइए और स्टोरी यहाँ पर रखते हैं, स्टोरी मैंने यहाँ पर लिखा गया है और ये सकते हैं पूरा शरीर का कंकाल यहाँ पे रखा गया है। तो आइए बायोलॉजी हिस्ट्री आपको पूरा मजबूत होने वाला है यहाँ पे, आइए दिन भर पढ़िए, आपको कोई एकदम दिक्कत नहीं है देख सकते हैं, सिर्फ 35 रुपया में। देखते हैं यहाँ पर मानव का उदय, कैसे मानव का उदय हुआ यहाँ पर रखते हैं, पूरा चित्र वर्णन किया गया है। और यहाँ पर रखते हैं विकास की कुंजी यानी DNA, यहाँ पूरा DNA बताया गया है। तो आइए और नॉलेज लीजिए, मैं कह रहा हूँ हर बार यहाँ पर सिर्फ नॉलेज की चीज है, यहाँ पे एंजॉय करने वाला नहीं है, सिर्फ आइए और अपना नॉलेज बढ़ाइए, जो भूल गए हैं वो आपको याद हो जाएगा अगर पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते आपको एक दिन में नहीं पढ़ सकते। देखते हैं कोशिका विभाजन यहाँ पर, कोशिका जीवन का अनुभव यहाँ पर रखते हैं, पूरा चीज डिटेल में बताया गया। तो ऐसे यहाँ पर तीसरा फ्लोर पर हम लोग आ गए हैं, यहाँ पर आपको साइंस और एक्सप्लेन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज आपको देखने को मिलेगा, नॉलेज से भरपूर यहाँ पर आपको लगाया जाए। पृथ्वी के बारे में कैसे एकदम बादल है उसके बारे में, पूरा पृथ्वी कैसे ऊपर क्या होता है पूरा मैंने नॉलेज लेना चाहते हैं। वीडियो में तो हम नहीं बता सकते पूरा पढ़ा कितना इंग्लिश में है, तो आइए और अपना नॉलेज लीजिए खुद, देखते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको दिखाया गया, मैं आपको दिखा देता हूँ देख सकते हैं। तो आइए पूरा एंजॉय करिए और यह दे सकते हैं आपको कैसा है आपको ब्लॉग वीडियो लगा, कमेंट सेक्शन है जरूर लिखिएगा। नीचे चलिए मैं आपको पार्क है वो भी मैं आपको घुमा देता हूँ थोड़ा सा जाके, मगर वीडियो काफी लंबा हो गया, मेरे को पता होगा कि वीडियो एडिटिंग करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए फाइनली आपको बता रहे हैं, लिफ्ट भी लगा हुआ लेकिन हम लोग अभी जवान है बॉडी बिल्डर तो जा रहे हैं सीढ़ी से, और यह तो हम आपको दिखाएंगे जैसे कि आपने देखा वीडियो में। तो फाइनली हम उतर रहे हैं तो आपको फास्टली यहाँ पे दिखाई देते चल जा रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कुछ किस तरह का यहाँ पर आपको नज़ारे, यहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ पढ़ने रहा है जैसे देखते हैं जय जीवन, यहाँ पर आपको कुछ नॉलेज यहाँ भी सिर्फ नॉलेज साइंस सेंटर नाम ही है, यहाँ साइंस रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा सारा चीज़। तो आइए और यहाँ पे एंजॉय के लिए ऊपर आइए, यहाँ पर देखते हैं बाइक रास्ता भी बनाया गया है, रात थक जाइए घूमते घूमते यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पर सब के बारे में आपको डिटेल में बताया गया पूरा हिस्ट्री।
तो आइए रखते हैं कि किसने जान से इतना यहाँ पता रखते हैं। जयपुर कांग्रेस अधिवेशन यहाँ पर आपको बताया गया, बिहार के राज्यपाल रखते हैं, पूरा मैंने यहाँ पर आपको पूरा हिस्ट्री मजबूत होने वाला। फाइनली गाइस यहाँ पर रखते हैं, हम लोग पूरा यहाँ पे इंजॉय कर लिए हैं, ज्ञान का भरपूर पूरा माथे में डाल लिए हैं, और डालने के बाद यहाँ पर रखते हैं, अब हम लोग फाइनली नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, और आने के बाद चलिए अब चलते हैं उधर जो पार्क है आपको जो मैंने दिखाया था शुरू में आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर रखते हैं आपको दिखाया गया ग्लोब घर यहाँ पर रखते हैं आपको बनाया गया। चलिए और उधर देख सकते हैं जब डायनासोर भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा, उसके बाद चलेंगे उधर पार्क की तरफ, अब जाना मना है डायनासोर पार्क, तो देखते हैं पर डायनासोर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर पूरा पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जी आओ देखते हैं मुंडी हिल रहा, शांत कर लिया अभी डायनासोर, हिलाओ रे मुंडी हिलाओ, देखिए बोलेंगे तो मुंडी हिलाएगा डायनासोर। यहाँ पर रखते हैं फूल तोड़ना मना है, 100 रुपया जुर्माना। चलिए और यहाँ मैं ले चलता हूँ आपको पार्क में, यहाँ पर देख सकते हैं टाइगर मंथर में आपको पहले बताया था हेलीकॉप्टर है 100 साल पुराना, और ये देख सकते हैं इधर आ गए हैं पार्क में जो कि साइंस सेंटर का ही पार्क है, बच्चे लोग काफी इंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं देखते हैं, तो आइए और वहाँ पे साइंस का ज्ञान लीजिए उधर, और इधर देखते हैं बच्चे को इंजॉय कराइए देखते हैं, पार्क काफी अच्छा है, और यहाँ पर भी आपको जादुई नल देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे जादुई नल, यहाँ पर जो पानी है जो गिर रहा है जैसे कि देख सकते हैं, तो अंदर में ऐसे छोटा था यहाँ पे बड़ा बनाया गया, देख सकते हैं कितना बड़ा है यहाँ पे, देखते हैं पार्क का कुछ इस तरह का आपको नज़ारा और भीड़ देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैं पार्क के कोने में खड़ा हूँ, और कैसा आप ब्लॉग वीडियो लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल पर आए सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि आगे भी इस चैनल पर आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।